गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम हर्षद एंड अगेन वेलकम टू एडवर्ब्स। जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर था, मैंने आप लोगों को एडवर्ब के बारे में पढ़ाया हुआ था, तो आई थिंक मुझे याद है मैंने आप लोगों को नाउन के कुछ टॉपिक बताए हुए थे। तो नाउन के बाद मुझे थोड़ा सा याद है मैंने प्रोनाउन आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है। तो एक्सरसाइज हालांकि आप लोगों की एडवर्ब की होनी थी, और एडवर्ब की जो एक्सरसाइज थी वो भी बन नहीं पाई है। और एडवर्ब में मैंने आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम बताए हुए थे, और इसके साथ में बात करूं एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद पर्पस बताया हुआ था, बहुत सारे टाइप बताए हुए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैंने इन सभी की जो पीडीएफ मैंने फॉरवर्ड कर दी है, आप लोग चेक कर लीजिए वहां पर इन सभी की। जैसे मैंने राइट किया था ऑलवेज, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, ऑलवेज एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। टुडे हो गया, जैसे यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये जितने भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं इनको हमेशा याद रखिए। इन सभी वर्ड की हमने करीब 10-10 या 20-20 वर्ड्स हैं हर एक ग्रुप में, उनकी मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। दूसरा फंक्शन बात करते हैं प्रोनाउन होता क्या है। हम लोग पहले थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे नाउन क्या होता है। हमारे यूनिवर्स में टोटल जितनी भी चीजें होती हैं सारी नाउन होती हैं। जैसे मैं यहां पर चौक लिए हूं, यहां पर बोर्ड है, मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पे कोई भी चीज है, सपोज मैंने रिंग पहनी हुई है, तो ये जितनी भी चीजें क्या है, ये सारी नाउन है। मीन्स यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती है वो सारी क्या होती है, नाउन होती है। अब अगर हम उनका नेम दे रहे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है, और हम जिसका नेम देते हैं, जैसे मैंने कॉमन सेंटेंस एक मान लिया, वर्ड मान लेता हूं, मान लीजिए मैंने राम नेम दिया, ठीक है, तो राम जो है, राम ही क्या है, बॉय है। तो जिसका ये नेम होता है वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन हो जाता है। तो हम लोग बाजू जो बात कर रहे थे नाउन की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर हमें नाउन नहीं आता है तो हम लोग प्रोनाउन को नहीं समझ पाएंगे। तो याद रखिए किसी भी सेंटेंस में जो राम है, राम जिसका नेम दिया जाए वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जो ये नेम दिया गया ये प्रॉपर नाउन हो गया, और ये जिसका नेम है ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसके अलावा दूसरा केस हमेशा याद रखना है, छोटा सा काम होता है, इन चीजों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने यहां पे सेंटेंस राइट किया, राम इज माय फ्रेंड, राम इज गोइंग टू मीट मुनेसिस फादर। राम्स फादर इज अ लॉयर, इज अ लॉयर। बट ही बट राम वॉन्ट्स टू डिस्कस विथ मुकेश फादर, मुकेश फादर। हमारे यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए कॉमनली, आई थिंक थ्री भी है। अब हम समझेंगे हमें कैसे हमें डिफाइन करना है सेंटेंस में नाउन क्या है, कैसे डिफाइन करना है प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले तो जो चीजें हैं, जिसका चीज दी जाए उसे हम क्या बनेंगे, नाउन। तो पहले नाउन की बात करें, राम यहाँ पर नाउन है, फ्रेंड यहाँ पर नाउन है, राम ये नाउन है, यहाँ पर मुकेश के फादर, मुकेश नाउन है, मुकेश के फादर नाउन है, राम्स फादर नाउन है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉयर दिया हुआ है, लॉयर नाउन है, इसके बाद राम दिया और मुकेश के फादर दिए, ये सारे क्या है हमारे पास नाउन है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस, जैसे बार बार यहाँ पर राम आ रहा है, बार बार मुकेश आ रहा है, तो हम अगर किसी का कहते हैं कि मैंने राम को बुलाया फिर मैंने उससे कहा, जैसे मैं कहूँ मैंने राम को बुलाया फिर मैंने राम से कहा, तो सेंटेंस में राम को दो बार रिपीट किया, तो इस टाइप के सेंटेंस को रिपीटेशन को हम
इग्नोर करते हैं, किसी भी वर्ड को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो कॉमनली क्या होगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा बोलने में। तो सेम में करना क्या है, जब हम किसी वर्ड की रिपीटेशन करते हैं, किसी वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, तो उन चीजों को रिप्लेस करने के लिए, जैसे हमें लग रहा है यहाँ पे बार बार राम बोल रहे हैं, बार बार मुकेश बोल रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ऐसे यहाँ पे मुनेश है, यहाँ पे मुकेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं नाम बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो जब हम नाम को रिपीट कर रहे हैं तो इन चीजों की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे प्रोनाउन जो होते हैं वो आपका ही, ठीक है, हिज, अभी मैं आपको टेबल बना के बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, कॉमनली आप समझिए ही हिज आपका हो गया, सी दे यू, ये सारे क्या होते हैं आपके प्रोनाउन होते हैं। तो ये सारे जो प्रोनाउन है मैंने आप लोगों को बताए, ये हम इनसे रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, राम है स्टार्टिंग में जिसकी बात कर उसको एस्टेज रखते हैं, तो राम इज माय फ्रेंड, राम इज मेरा फ्रेंड है, और ये राम क्या, इसको हम सब्जेक्ट से कैसे रिप्लेस कर देंगे, ही से। तो हमने इस राम को रिप्लेस कर दिया ही से, तो यहाँ पे ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ही इज गोइंग टू मुकेश, यहाँ पर मुकेश फर्स्ट टाइम है तो मुकेश को छोड़ दिया, ठीक है, दोबारा से राम से आ गया, तो राम फादर को क्या करिए, पजेसिव, राम के फादर है। आप लोग अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने नाउन की सीरीज में पजेसिव की वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पे राम फादर का क्या हो जाएगा, हिज फादर, क्या हो जाएगा, हिज फादर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हिज फादर वाला फंक्शन आ गया, एंड इसके बाद बट राम, अगेन से राम आ गया, तो यहाँ पे हम ही यूज कर लेंगे, अगेन ही वॉन्ट्स टू डिस्कस विथ मुकेश फादर, क्या है मुकेश फादर, तो मुकेश फादर का मतलब हिज फादर, वो उसके फादर से डिस्कस करना चाहता। तो यहाँ पर हम जिन वर्ड को एक दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर, वो सारे क्या हो जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन हो जाएंगे। और जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, हमने राम को रिप्लेस किया तो राम क्या हो गया, नाउन, और जिससे रिप्लेस कर रहे हैं वो क्या हो गया, प्रोनाउन। तो आई थिंक एक जो कॉन्सेप्ट था नाउन और प्रोनाउन का छोटा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि नाउन प्रोनाउन जो है होते कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोग बुक्स में देखेंगे कि कंफ्यूजन होती है कि किसे हम क्या प्रोनाउन माने। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने नरेशन की सीरीज बताई हुई, तो मैंने प्रोनाउन की जो पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट थी वो बनाई हुई है, लेकिन आज हम लोग पर्टिकुलर जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनको एक एक करके अलग अलग टॉपिक में एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। तो जनरली हम बात करें अगर प्रोनाउन की, प्रोनाउन कुछ बुक्स में 8 दिए गए हैं, कुछ में 9 दिए हैं, बट है क्या, जैसे रेसिप्रोकल हो गया आपका, या फिर इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, कुछ लोगों ने इम्फैटिक प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला हुआ है, या फिर कुछ लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दो पार्ट बता दिए, उसको इम्फैटिक भी बता दिया। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि किसको किस टाइप से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, बेसिकली मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 7 टाइप के जो प्रोनाउन है। स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। फर्स्ट हो गया हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसके साथ बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप लोग फास्ट कॉपी करते हैं ये साथ साथ में। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन 6 है आपका, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके साथ और भी प्रोनाउन आते हैं, ऐसे बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई थिंक आप लोगों ने पहले पढ़ रखे होंगे इनको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके साथ एक इसी का एक और पार्ट मान देते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो ये हमारे कुछ मेजर पार्ट्स हैं जो हम लोग डिफाइन करेंगे। एक और होता है बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब आप लोग फास्ट अपनी कॉपी में राइट करिए, या फिर कहीं भी आप कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप अपने जितने भी आपको आंसर्स राइट करने, आपको आंसर राइट करना है 1, ऐसे आप राइट करिएगा कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है आप लिख दीजिए पर्सनल,
कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आपको पता है इस टाइप से राइट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप बंद करके पर्सनल प्रोनाउन राइट कर लीजिए, टू करके इंटरोगेटिव, जो आपको पता है वो आप लोग राइट करिए, फास्ट आप लोग राइट करिए, राइट करिए बेटा सारे लोग फास्ट। तो जैसे अब हम लोग बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन की, ये मैं टेबल आप लोग अभी मैं इसके बाद टेबल बनवा दूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी मैं आप लोगों को दो प्रोनाउन अभी बता देता हूं, उसके बाद मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो एक एक करके समझा दूंगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये आप समझ लीजिए। बात करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से हमें समझ में आ रहा है उल्टा, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। तो यहां पर हम दो प्रोनाउन यूज करे जाते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ये दो प्रोनाउन होते हैं जो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ये कॉमनली यूज करे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो चीजों को डिवाइड करे, जो चीजों, जैसे आइदर हो गया आपका, तो यहां मैं राइट कर देता हूं, आइदर हो गया आपका, नाइदर हो गया, ये प्रोनाउन है। जैसे मैंने एडवर्ब की आप लोगों को लिस्ट भेजी हुई है ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में मैं दोबारा भेज दूंगा, बहुत सारे हैं, बट मैं मेजर जो मुझे बेसिक पॉइंट बता दूं वो मैं यहां पे बता दूंगा आप लोगों को। तो ये कुछ है। इसके साथ डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना। जैसे मैं बात करूं, ये एक ग्रीन बोर्ड है, यह एक चौक है, वे चौक के पैकेट्स रखे हुए, बॉक्स रखे हुए, तो यहां पे हम इसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेट, मतलब किसी की थ्रू आइडेंटिफाइंग, उसको इंडिकेशन देना, एक टाइप से संकेत देना। तो यहां पे क्या हो जाएंगे इसके, दिस दैट दीज और दोज, ये जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं, ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि कौन से क्या होते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूंगा। जैसे इंडेफिनिट, जो चीजें फिक्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया सम, फ्यू, ये आपके किस टाइप से वर्क करते हैं, प्रोनाउन के टाइप से यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके ऑल हो जाता है, ऑल होता है, सम होता है, फ्यू होते हैं, लिटिल होती है, सारे किस टाइप से वर्क करते हैं, आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउन के टाइप से वर्क करते हैं। फर्स्ट आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको प्रोनाउन की टेबल बनवा देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, क्योंकि ये सबसे मेन चीज है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्सनल प्रोनाउन में, कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनको याद रखेंगे। यहां पे मैं पर्सन मेंशन कर रहा हूं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो पर्सन होते हैं हमारे पास, थ्री टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी, संस्कृत में तीन पर्सन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये हमारे पास तीन पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अगर हम बात करें प्रथम पुरुष में, सात औते आता है, ठीक है, तो सेम उसी टाइप से मध्यम पुरुष में यू आता है, तुम आता है, तुम करके, और आई थिंक उत्तम में आता है अहम, आवाम, वयम। तो हम यहां पे पर्सन को हमने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं सर आपको संस्कृत कैसे आती, एक मेरे टीचर थे जो मुझे इंग्लिश भी पढ़ाया करते थे और संस्कृत भी पढ़ाया करते थे। आपने एक छोटी सी चीज ध्यान रखी होगी, आपको अगर याद होगा, जब आप छोटे होते हैं किसी चीज को पढ़ा जाता है तो वो चीज आपको रट जाती है, तो वही चीज थी, वो सर पिटाई बहुत ज्यादा करते थे और पढ़ाने में ही उतना ही ज्यादा मेहनत किया करते थे, तो चीजें जो थी वो धीरे धीरे बढ़ी और मुझे वो सारी चीजें याद हो गई बस, और बहुत ज्यादा इनका फंक्शन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं बेटा कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आप लोग सीट ऐसे बनाते जाइए जैसे मैं बना रहा हूं सेम। यहां पे सब्जेक्ट फॉर्म लिखूंगा मैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म, इसके बाद मैं बात करूंगा पजेसिव, और इसी में बेटा इसकी मैं करा देता हूं रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं पर्सन की,
पर्सन हमारे पास बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की, जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारे पास आई और बी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन की हम बात करें, सेकंड पर्सन अकेला यू होता है। हालांकि आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोग जिन लोगों को पता है वो लोग वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर लीजिए और आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। अगर पता है तो आप आंसर्स राइट करते हैं, मैं राइट कर रहा हूं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आप उनके आंसर्स राइट करते जाइए कि किसमें क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट आप लोग मेंशन करिए मी और यहां पे अस। आई के अकॉर्डिंग दो पजेसिव होते हैं, माई होता है और एक माइन होता है। बी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अवर होता है और अवर्स होता है, दो होते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ यूज करा जाता है, अवर सेल्फ यूज करा जाता है। यू के साथ हम बात करेंगे, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम होते हैं, और इसका यू का योर हो जाता है और योर्स हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका योर सेल्फ और यू सेल्फ दोनों यूज करे जाते हैं। अगर इसका हम प्लूरल सेंस में यूज करेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा, सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं तो योर सेल्फ हो जाता है। थर्ड पर्सन बात करते हैं, अगर हम ही की बात करेंगे तो ही जो होता है वो मेल के लिए यूज करा जाता है, सी जो होता है वो फीमेल के लिए यूज करा जाता है, इट जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज करा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दे, दे होता है कोई भी प्लूरल आ जाए उसके साथ हम यूज करेंगे। तो ही के साथ जो आएगा वो हिम आता है, सी के साथ हर आता है, यहां पे हिज होता है। इसके साथ हम बात करेंगे, इसके हर और हर्स दो होते हैं। इट के लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म इट ही होता है, सब्जेक्ट जो पजेसिव होता है वो इट्स हो जाता है। दे के लिए हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, और यहां पे हम बात करेंगे देयर हो जाता है। इसके यहां पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक देयर होता है और एक देयर्स होता है। हिम के लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म जो हिम सेल्फ यूज करा जाता है, और हर के लिए हर सेल्फ यूज करा जाता है। इसके लिए इट सेल्फ यूज करा जाता है, और इसके लिए देम सेल्फ यूज करा जाता है। तो ये आपकी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल होगी। अब कुछ भाई कह रहे होंगे कि सर आपने ऑब्जेक्ट फॉर्म तो सही है, पजेसिव आपने दो बता दिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, आपको यूज क्या करना है, कौन सा पजेसिव कहां यूज करना है, क्योंकि पजेसिव बात करेंगे किसी भी नाउन प्रोनाउन के जो पजेसिव फॉर्म होते हैं दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, एक एडजेक्टिव केस में, रिलेटिव फॉर्म कह सकते हो। ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये क्वालिटी बताता है, और ये डायरेक्टली पर्टिकुलर वर्ड का काम करता है, क्योंकि इसका ये कंप्लीट सेंस होता है, ये इनकम्प्लीट सेंस होता है। अब हम एक सेंटेंस यहां पे राइट किए तो आप लोगों को ये जो टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आप लोग कमेंट करिए, ये बताइए, राइट कर लिए आप लोग नोट में कि इन दोनों का यूज कहां करते हैं, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों का। फर्स्ट आप लोग राइट करिए अपने नोट में। तो हम लोग बात कर रहे थे माई और माइन को डिफरेंस कैसे बताएंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। एक मैं सेंटेंस आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों को डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताए थे। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है, दिस, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। जिन लोगों का बन गया अच्छी बात है, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग बात कर रहे थे, सेंटेंस मैंने यहां पर राइट कर दिया, These are your books. सिंपल मैंने सेंटेंस राइट कर दिया, These are your books. तो यहां पे ये तो योर का यूज हो रहा है बुक्स के टाइप से, तो ये इस बुक के लिए क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहां पर ये पॉजिटिव फॉर्म है। सेकेंड, अगर हम यहीं पे राइट कर दें दीज बुक्स, तो यहां पे जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर योर्स। तो ये दो टाइप्स यूज करा जाता है। अगर कंप्लीट सेंस में आएगा तो सेकंड वाला पजेसिव यूज करते हैं, अगर फर्स्ट वाले केस में आएगा एडजेक्टिव के केस में तो यहां पे ये वाला यूज करते हैं। समझ में आ गया, वो सिंपल फंक्शन था।
इसके साथ जितने भी प्रोनाउन है, देखिए मैं बहुत ज्यादा प्रोनाउन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वर्ड में बता दूंगा कि कौन से होते हैं। इसके बाद में बात कर लेता हूं रिलेटिव प्रोनाउन, सेकंड बात कर लेता हूं रिलेटिव प्रोनाउन है, हो सकता है ऑर्डर आगे पीछे होगा, मुझे भी ऑर्डर याद नहीं है कि किसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ था, जो याद आ रहे थे वो मैं लिखता चला जा रहा था। बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन जनरली हम बात करेंगे जो क्लोजिव टॉपिक होता है। क्लॉज सर आप लोग कह रहे हो कि सर आप हर एक टॉपिक में क्लॉज के बारे में बताने लगते हो, क्लॉज आपने पढ़ाया तो है नहीं, तो इस वीडियो को कमेंट करिए, जितने लोग कमेंट ज्यादा करेंगे कि मुझे कौन सा टॉपिक चाहिए उसी टॉपिक की मैं इसके बाद की वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले मैं ये जो कंप्लीट करनी है बेटा सिंटेक्स की सीरीज कंप्लीट करनी है, एक दो टॉपिक और रहेगा उसके बाद ही कर पाऊंगा, या फिर टाइम निकाल के क्लॉज की वीडियो अलग से बना दूंगा, डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, आप लोगों का जो इंटरेक्शन है कितना ज्यादा रहता है। रिलेटेड प्रोनाउन समझ लेते हैं, किसी भी दो सेंटेंस के लिए आप लोगों ने शुद्ध हिंदी बात करें मिश्र सेंटेंस पढ़े होंगे, मिश्रित वाक्य कहते हैं जिन्हें, मिश्रित वाक्य पढ़े होंगे। जैसे मैं बात करूं हिंदी में ही लिख लेता हूं, मैं उस आदमी को जानता हूं को जानता हूं जो किताबें बेचता है, जो किताबें बेचता है, तो ये हमारे पास सेंटेंस होता है। वैसे आप लोग मिश्र वाक्य में जो जहां जैसे जिससे वर्ड आता है, जो जहां जिससे जैसे ऐसे वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। वैसे सेम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है इनको। ये मैं आपको क्लॉज में पढ़ाऊंगा, अभी से बताने आता हूं मिश्रित वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। मैं उस आदमी को जानता हूं मतलब क्या है, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को, याद रखना उसका दैट भी कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल दा मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को, किसी चीज को हम पहले से जानते हैं आर्टिकल दा यूज कर देते हैं। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं जो किताबें बेचता है, तो यहां पे हम यूज करेंगे हु, क्या यूज करेंगे, हु, उस आदमी को जानते हैं हु सेल्स बुक्स, तो यहां पर यह बात समझ में, तो यहां पर हु आ गया बेटा, ये भले ही डब्ल्यू एच वर्ड है, अगर यहां पर हु के बाद आ जाता जैसे हम Who are you हो जाता, क्या हो जाता, Who are you, जैसे What are you doing, क्या हो जाता, What are you doing, तो ये जो फंक्शन होता है यहां पे इसका मतलब होता है कहां, इसका मतलब होता है कौन, तो ये अगर WH word के सेंस में आते हैं तो इंटरव्यूटिव माने जाते हैं, बट अगर ये डायरेक्टली दो सेंटेंसेस को या फिर दो क्लॉज को या दो सेंटेंस के पार्ट को एड करेंगे जोड़ेंगे तो वहां पर उनका हिंदी सेंस क्या निकलता है, जो जहां जिससे जैसे, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर हु, तो ये जो हु क्या हो गया बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, समझ में आ गया। जैसे मैं बात करूं मैं उस जगह पर गया जहां पे मैं पैदा हुआ था, मैंने उसे उस टाइम पर बुलाया जब उसने मुझसे कहा था, तो वैन आ जाएगा। तो ये जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं अगर ये दो सेंटेंसेस को एड करने के लिए यूज करे जा रहे तो उन्हें क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये किस सेंटेंस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हम बात कर लेंगे हु या फिर डब्ल्यू एच फैमिली के जितने भी वर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। लॉजिक क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को फिर भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें। अब हम इसके बाद बात करें रिफ्लेक्सिव, मैंने आप लोगों को बताया दिया है, इंटरोगेटिव सेम मैंने अभी तुरंत बताया हुआ है, अगर यहां पर सेंस किया जाए क्या कहा जाए तो क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंडेफिनेट भी मैंने बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बता दिया, रेसिप्रोकल भी बता दिया, तो आई थिंक आपके पूरे प्रोनाउन हो चुके हैं। अब बात करते हैं सिंटैक्स में इनका यूज कैसे करा जाता है। जैसे हम सेंटेंस बात करते हैं, रूल फर्स्ट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि चीजें बहुत नई है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम करें। जैसे मैं एक सेंटेंस राइट करता हूं, ही शुड हेल्प हिज ब्रदर, सेंस समझिए, उसे अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए, सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है। हिज कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है, ये इसका पॉसेसिव फॉर्म है। इसके बाद अब मैं यहां पे वन यूज कर दूं, क्या यूज कर दूं, वन, यहां पे मैं राइट कर दूं शुड हेल्प हिज ब्रदर। आप लोग इनके आंसर्स आप लोग नोट पर राइट करिए, दो सेंटेंस मैंने राइट किए हैं,
कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा रॉन्ग है, दोनों राइट है या फिर दोनों रॉन्ग है? फास्ट आप लोग राइट करिए अपनी नोट में. अब हम लोग बात कर रहे थे सेंटेंस कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है. यहां पे ही के लिए पॉसेसिव फॉर्म क्या आया, हिज आया. पहले तो आपने ये बताया ये कौन सा प्रोनाउन है, वन है कौन सा प्रोनाउन. वन जो होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है. कौन सा होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा. तो यहां पे वन का जो पॉसेसिव फॉर्म होता है वो होता है वंस होता है. क्या होता है? वंस. वन और अपोस्ट्रोफी एस, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. और ये सेंटेंस में कई बार एग्जाम में एरर आती है, तो ये आपका रॉन्ग था सेंटेंस और ये आपका राइट था. और यहां पे इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना था हमें? वन. कुछ लोग ये कह रहे हैं सर इसको वन को हिस कर दो, ही कर दो तो सही हो जाएगा. लेकिन नहीं, याद रखिए आपके फादर जो कहते हैं वो आप करते हैं या फिर आप जो कहते हो आपके फादर वो करते हैं. ज्यादातर क्या होता है आपके फादर जो कहते हैं वो करते हैं. तो यहां पे ये मेजर वर्ड है. मेजर वर्ड क्या है? ये. तो इस मेजर वर्ड के अकॉर्डिंग हम यहां पे चेंज करें ना कि इसके अकॉर्डिंग इसको. नेक्स्ट समझिए बेटा, एक फॉर्मूला होता है 231 का. आई थिंक मुझे याद है 2015 एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था. 2014 या 15 का मुझे कंफर्म याद नहीं है. अगर कोई भी स्टूडेंट है डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्रोनाउन से हर बार एक या दो क्वेश्चन आते हैं. एनडीए में आया हुआ था, एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था. कैसे आया था वो समझो. ही, यू एंड आई वेंट टू मीट योर फादर. इस टाइप से सेंटेंस लिखा हुआ था और इस टाइप से यहां पे ऑप्शंस बने हुए थे इस टाइप से, और यहां पे नो एरर लिखा हुआ था. फंक्शन का मतलब समझिए क्या है. ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपका ए पार्ट था, ये आपका बी पार्ट था, ये आपका सी पार्ट था, और ये आपका डी पार्ट था, ये सी पार्ट था, सॉरी ये आपका डी पार्ट था. अब आपको फॉल्ट बतानी थी किस फॉल्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है. जनरली हम लोग क्या समझेंगे, अगर ये रूल याद रखना, कई बार एग्जाम में ये होता है कि नो एरर भी आती है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है और हम लोग जबरदस्ती एरर ढूंढते हैं. नहीं होता है. अगर एग्जाम आप कोई भी डिफेंस देंगे या फिर कोई कंपनी से एग्जाम देंगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? पहले तो हम देखेंगे सेंटेंस में फॉल्ट क्या है. जनरली हमें क्या लग रहा है, सेंटेंस में कोई फॉल्ट नहीं है, जनरली हमें ये लग रहा है. लेकिन ये हम रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, प्रोनाउन के रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में सबसे बड़ी फॉल्ट है. वो फॉल्ट क्या है? प्रोनाउन जब भी किसी भी ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो 231 फॉर्मूला होता है उसको फॉलो करते हैं. किसको? 231 को. आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा. तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? You, he, and I went to meet his father. Copy करिए. अब हम इसके बाद बात करेंगे एक नया रूल. किसी भी सेंटेंस में जैसे एक वर्ड दिया जाता है राम एंड श्याम आर गोइंग, राम एंड श्याम आर गोइंग. सेंटेंस क्या है? राम एंड श्याम आर गोइंग. यहां पे दूसरा सेंटेंस लिख दिया Each boy and each girl is going. सेंटेंस आप लोगों के सामने है. आप लोगों को यह बताना है कि सेंटेंस कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है. यहां पे हम बात करेंगे सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर दो प्रोनाउन आए
अगर दोनों प्रोनाउन या फिर दोनों नाउन, सॉरी प्रोनाउन नहीं नाउन, और अगर वो ईच से फॉलो किया जाए, किसको ईच को फॉलो करें, तो इस केस में हमें दो फंक्शन करने होते हैं। ये ईयरफोन भी बहुत प्रॉब्लम कर रही है, इसको मैं जेब में डाल लेता हूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन यूज करे जा रहे हैं और वो दोनों नाउन